स्थानीय नेता जी आ पावे और इस खरवार समाज को विश्वास देने का कार्य करें, जिस विश्वास के लिए हमारे समाज भारतीय खरवार महासभा जनपद बलिया भैया पर भाई अमित जी ने आप लोगों को इधर आमंत्रित किया है। आए हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जो समर्थक साथी हैं, तीन चीजें हम आपसे कहना चाहेंगे। पहली बीमारी आपकी है, सटे हुए जिलों में जाति प्रमाण पत्र जारी हो रहा है, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे मऊ हो, चाहे देवरिया हो। बलिया में लेखपाल और तहसीलदार की लापरवाही से जारी नहीं हो रहा, यही बीमारी है। ये बीमारी दूर करना चाहते हैं। साफ नहीं, साफ ये बीमारी तो दूर हो जाएगी। इस देश में कोई ऐसा रोग नहीं है कि जो ठीक हो, बशर्ते दवाई खाने के लिए तैयार रहिए। तहना अभी कुछ चीजों की जानकारी अमित जी के द्वारा और हमारे साथियों के द्वारा हुई है। इसमें कुल मिलाकर के साथियों लड़ाई इस बात का द्योतक है या असफलता इस बात का द्योतक है, सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी या कमी है। अब तो इधर COVID-19 में और नहीं होता तो कल हम आपको दिखाते तमाशा। आपके सामने आकर के डीएम पहले वही बलिया सदर तहसील में सर्टिफिकेट बना करके देता। इस समय COVID-19 के बहाने पूरे देश को बेचा जा रहा है, पूरे देश को गुलाम बनाने की कवायद हो रही है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इतना हम जरूर कहूंगा कि पूरे पेपर संगठन के साथी आज हमको अगर दे सकते हो तो आज दे दें, कल दे दें, परसों दे दें। जिस दिन हमको दे देंगे उसी दिन से हम कार्रवाई शुरू करा देंगे। हम तो ये जानते हैं इस देश में हर काम संभव है, किसी की औकात नहीं है कि कोई कह दे कि नहीं हो। हमारी जो डिक्शनरी है, हम हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते। जो होना है निगेटिव वो अपने आप होता जाएगा, हम पॉजिटिव करते। इस काम में सर्टिफिकेट जो भी पेपर है आपका मिल जाए, हम इसके समाज कल्याण मंत्री हैं शास्त्री जी या मुख्यमंत्री हैं या प्रमुख सचिव मनोज सिंह हैं और जो भी संबंधित अधिकारी हैं, इतनी कुबत है कि बलिया जिले के डीएम को लखनऊ तलब करा करके उनको हम सबक सिखा सकते हैं। पेपर मिल जाए उसके बाद हम आपको दिखाएंगे आगे क्या होता है। सर्टिफिकेट तो बनेगा, बिना न मानत ही जलत ही जड़ गए बीत दिन, भोले राम सकोप तब भाई बिन हुई लगी।
इस काम को तो हम शुरुआत करेंगे, जल्दी पूरा भी हो जाएगा हमको, जैसा कि कुछ पेपर हमने पढ़ा है। इसमें बहुत लड़ाई नहीं बची है, कुछ क्लर्कियल मिस्टेक है। और जैसे होता है ना कि देखिए, ठाकुर की बोली में ब्राह्मण की बोली में, ठाकुर की गोली में, बनिया की झोली में और शूद्रों की टोली में बड़ी ताकत होती है। इसको हम लोग नहीं मानते। अभी जैसे हम पहले जब बलिया में आए तो लोग हमको ये कहते थे, अरे भारत की लड़ाई लड़ता है, यही ना था। 10 साल में हमने ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश में कोई माइक दल पैदा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के सामने नौजवान हैं, आप अपने मोबाइल पे देखें। हम काम पे विश्वास करते हैं, बात पे नहीं, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, हम हर जगह काम पे विश्वास करते हैं। इस प्रकरण को तो हम बस इतना ही कहेंगे आपसे, ये पेपर हमको जितने जल्दी आप दे देंगे हम उसके बाद काम शुरू करेंगे और जल्दी इसका निस्तारण करा देंगे। दूसरा सवाल एक कानपुर का है, वो भी पेपर उपलब्ध करा दें, जानकारी धीरे धीरे अब हो गई है लखनऊ की कि कैसे कैसे होता है। इस सरकार में कुछ ऐसे दरोगा हैं, कल मैंने अभी बलिया में बयान दिया था, लेकिन चूंकि अखबार वाले डरते हैं सरकार से, हमने तो साफ साफ कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में या किसी की सरकार रहती है तो पुलिस सरकार के इशारे पे काम करती है। आज पुलिस विभाग में कुछ ऐसे पुलिस अफसर हैं जो सरकार से तालमेल बना करके 302 के भी मामले को वो खत्म करने की हैसियत रखते हैं। अभी पत्रकार की जो घटना उसमें कल मैंने कहा कि जो वहां दरोगा इंस्पेक्टर था, पहले तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा लिखना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा, कहीं भी अगर संलिप्तता दरोगा को सस्पेंड करने की नहीं, अगर वो दोषी है तो सबसे पहले एक नंबर पे उसका 302 मुकदमा जी को तब दरोगा मानेगा, नहीं तो इसी तरह मानी करते। इसे कौशाम्बी में पासी की बेटी के साथ रेप हुआ, 6 दिनों टहटते रहा, मुकदमा नहीं लिखा। जब मुझे पता लगा, कप्तान कहा कि फंसाया जा रहा फर्जी, हम तुझे जब कार्रवाई शुरू हुई 1 बजे रात FIR थाने पर होता है, सुबह 8 बजते SO और SI सस्पेंड होता है। मैंने DGP से कहा कि ये कोई मामला नहीं, DGP महोदय अगर आप सजा देना है तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा लिखो, हत्या हुई है लड़की की। DGP कहें कि ये तो कोई कानून नहीं, भी बिल्कुल कानून बनेगा। अगर दोष तो सिद्ध हुआ तभी ना आपने उसको सस्पेंड किया, बोलिए। थाने पर दरोगा अगर दोषी पाया गया तब ना आपने सस्पेंड किया उसको, तो उस मामले में भी उसको इन्वॉल्व करो। जिस दिन ये हो जाए उस दिन पुलिस विभाग में 60% सुधार आ जाएगा, 60% करने लगेंगे लोग। और बहुत सी चीजें, हम घबराइए नहीं, हम उसमें लगे हैं। 2 साल अभी 22 में एक चीज, दुनिया को वोट दे देना, दुनिया को दे देना, लेकिन BJP को स्वप्न में भी वोट मत देना। अपने रिश्तेदार को समझाओ, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को समझाओ कि भाई दुनिया को वोट दे देना, लेकिन BJP को वोट मत देना। अगर दे दिया तो 5 साल के बाद फिर ये नौजवान ये समझ लेना कि अपने दादा से पूछ लेना कि उनके समय में क्या स्थिति थी, उससे भी बदतर स्थिति BJP 2025 में लाने की तैयारी में है।
इस नाते हम आपको आगाह कर रहे हैं, ये नहीं कि हमारा बीजेपी से दुश्मनी है, हमारी तो दुश्मनी उनसे विचारों से ऐसा है, ये अगर मिल जाए तो जिंदा उनको जला दें। अंबेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय, और ये क्या कर रहे हैं आप नौजवानों सोचो, कल तक हिंदू मुसलमान में लड़ा दिया, नफरत इतना हो गई कि अगर कोई गरीब दलित का बेटा, बैकवर्ड का बेटा, माइनॉरिटी का बेटा, कोई गरीब अगर सब्जी बेच रहा था, मुसलमान अगर चला गया कोई बैकवर्ड की कम्युनिटी में, फॉरवर्ड की कम्युनिटी में, इतना बड़ा भेदभाव अभी हिंदू मुसलमान किया। अब क्या चल रहा है आप देख रहे हो, अब ब्राह्मण राजपूत में भिड़ाया है, अभी समय इतना कटुता ब्राह्मण राजपूत में है, कल अब शुरू होगा यादव और चौहान में, राजभर और पाल में, बिंदो निषाद में, चमार और खरवार में, बिहार और अर्कवंशी में, एक दूसरे से लड़ाकर हम एक जगह न बैठ सके वो स्थिति बीजेपी लाना चाहती है, इसी का विरोध हम करते हैं। ये क्यों आप जो भाईचारा हम लोगों में था क्यों तोड़ रहे हो? इस नाते मैं तीसरी बात बहुत गंभीर बात कह रहा हूं साथी, दुनिया को हमको मत तोड़ देना, हम देखो वोट की राजनीति नहीं करते, आप जहां स्वतंत्र हो, 22 रोक दिया यहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, तो ये समझ लेना कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखा, और सरकार बनाने का फार्मूला हम अपना बना लिए, वो भी दिक्कत नहीं है, हम तो सब काम कर रहे हैं। अभी मैं था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर, वो तो अरविंद बताए कि एक मीटिंग वहां समाज है, हमने कहा कि चलो भाई देखें कहां परेशानी है, मिल लिया जाए, भाग करके चला। मैं सुबह उठा, नहाया धोया, देखा तो कुछ लड़के टहल रहे, तो हम सोचे हो सकता कोई बात होगी, तो फिर पता लगा कि नहीं लोग आए हैं, हम कुछ काम करते रहते हैं। और साथियों इतना आपको बता दूं कि देखो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1932 में रिजर्वेशन दिया आपको, शेड्यूल का शेड्यूल टाइप को आज तक पूरा नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, यूपी में सपा और बसपा की सरकारें थी, ये लोग जिम्मेदार हैं, हमारा हिस्सा नहीं ले दे पा रहे हैं, और वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो अखिलेश मायावती से भी कहते हैं कि तुम दोनों खाली मिल करके भाजपा को हटा दो, हमको अपने साथ मत लेना, यही हमारी सबसे बड़ी काबिलियत है, देश के संविधान को बचाना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी बड़ी मेहनत, उस समय साथी नल का पानी छुआ हुआ खोल के अपने हाथ से नहीं पी सकते थे, कुएं का पानी, तालाब का पानी नहीं पी सकते थे, उस मुसीबत को झेल करके उन्होंने संविधान बनाया है, कैसे कैसे लिखा है वो जानते हैं, और हम आप उस लिखे हुए पुस्तक को ही मान लो, संविधान को हम मजाक समझते हैं। आज संविधान लागू हो जाए तो ये छोटी छोटी समस्या से छोड़ दो, तेरे दरवाजे कलेक्टर घूम करके पूछता रहे। संविधान की बात नहीं मानते, इस नाते की जनता नहीं करते, संविधान में क्या है, हम लोग मानते किसको हैं? सरस्वती जी को मानते हैं, पढ़ने लिखने का अधिकार सरस्वती जी ने दिया है, शायद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे पढ़ नहीं लिख सकते, जब वर्ण व्यवस्था बनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनु स्मृति में चार वर्ण बना, तो है नहीं वैश्य है, बचे तो शूद्र है ना, संविधान में स्मृति के संविधान अगर महिलाओं को दिया तो सावित्री बाई फुले ने दिया, उसके बाद पिछड़ों को दलितों को दिखाने का काम अगर कोई किया तो छत्रपति साहू जी महाराज, जब अंग्रेजों का शासन था छोटे छोटे सूबों में राजा थे, तो छत्रपति साहू जी महाराज अपने राज्य में 50% आरक्षण हम लोगों को दिया, और मजे की बात एक राजा
छुआछूत को खत्म करने बाबा साहब के संविधान पे धारावाहिक नहीं, ऐसे ऐसे नालायक हैं धरती पर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़। आप बताओ कि अब वो जिंदा जब रहे होंगे बाबा साहब तब कितना डरते थे ये लोग, आज मूर्ति देख के डर लग रही है। मूर्ति तोड़ रहे, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, मूर्ति तोड़ के बाबा साहब के विचार आदर्श को नहीं खत्म कर सकते। उन्होंने किताब लिख दिया है, वो बाकायदे व्यवस्थित है, उसको तुम नहीं खत्म कर सकते। एक नहीं तुम 1000 मूर्ति तोड़ो लेकिन उनके आदर्श को तुम खत्म नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं कि चलो कम से कम तुम जैसे लोग भूत से डरते थे तो कम से कम बाबा साहब की मूर्ति से तुम डरते हो, इतना बहुत है, कम नहीं है। इस नाते साथी हम लोग जिस रामायण पे बड़ी चर्चा होती है, आप उसी रामायण को खाली देखिए, अंतिम अंतिम लड़ाई की तरफ हम आपको लंका ले चलें। राम रावण युद्ध होता है और तमाम वहां जो बानर गए थे राम के साथ, कहते हैं बानर थे, यही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, वो बानर नहीं थे। अच्छा बानर बताइए कि 4 गोड़ से चलते हैं कि 2 गोड़ से, कोई 4 गोड़ से चल। आप धारावाहिक जो उनका टीवी सीरियल पे देखे होंगे सब 2 पैर से चल रहे थे। खैर युद्ध हुआ, युद्ध में आपने क्या देखा, लाखों बानर मरे, किसी का हाथ पैर कटा, कोई मूर्छित हुआ, बानर भी मूर्छित हुआ होगा, और संजीवनी बूटी सिर्फ लाई गई तो अकेले लक्ष्मण के लिए, क्यों, और हजारों लोग मूर्छित हुए, उनको लिए दवाई क्यों नहीं लाई गई, धोखा हुआ ना। अब उसके बाद देखिए लाखों बानर मर गए, त्रेता बीता द्वापर बीता कलयुग उनकी भाषा में अंतिम चरण में, 3 युग बीत गया, अभी तक बानर को एक आवाज तक नहीं दे पाए राम। देखे कहीं, मतलब उनकी जो लिखी हुई किताब है उसी को मैं बता रहा हूं, और उसके बाद भी बीजेपी कहती है हम राम राज लाना चाहते हैं। अरे कौन सा राम राज, जिस राम के राज पे सही बात कहने वाले शंभु ऋषि का तूने गर्दन काटा उसी को करके दिखा रहे हो, अगर कोई पत्रकार भी सही बात कर रहा है तो उसको गोली मार रहे हो, यही तेरा राम राज है। कोई गरीब पिछड़ा दलित अपने अधिकार के लिए बोल रहा है तो उसको देशद्रोही और आतंकवादी बता रहे हो, यही राम राज लाना चाहते हो। शिक्षा तेरे पास होगी सब कुछ मिलेगा, शिक्षा नहीं है कुछ नहीं मिलेगा, शिक्षा होगी तभी अपने इतिहास को जानोगे, तभी आप पढ़ोगे, तभी आगे बढ़ोगे, और उसके लिए बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है। इस व्यवस्था को खत्म करने में बीजेपी लगी। अभी आपने देखा कि देश का दुनिया का, हम तो एक कमरे में नहीं बाहर टीवी पे बोला हूं, सदन में बोला, लखनऊ विधानसभा में मैंने कहा कि दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, सदन में बोला था, बाहर नहीं, बाहर तो जो बोलता हूं बोलता हूं, आज भी कह रहा हूं, दुनिया में अगर झूठा कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी बोलता है, नरेंद्र मोदी मेरी सरकार बना दो मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, 28 विभाग बेच दिया, और भाषण मार रहा है कि हम देश बिकने नहीं देंगे। और तो और मोदी ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा, अरे देश के लोगों मेरी सरकार बना दो, सरकार बना दो, महंगाई कम हो जाएगी। तो गरीब सोचा कि सही कहा, 35 रुपया किलो आलू हो गलत है ना, 340 रुपया का गैस सिलेंडर आज 800 रुपया हो गया। और तो और साथी ये जितने सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्पिटल सब बेचने जा रहा है, रेलवे स्टेशन बेचने जा रहा, आपका बस अड्डा बेचने जा रहा, जिस सड़क से आप आए होंगे राष्ट्रीय राज
संपत्ति बेच करके ये हमको आपको गुलाम बनाने जा रहा है। इस नाते दुनिया में अगर झूठा कोई नेता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। दूसरा झूठा एक और पैदा हो गया, अभी योगी था, हम तो उस दिन कहे सदन में कि कल तक आप योगी थे, अब तो राजनेता हो गए और झूठ एक नंबर का बोल रहे हो। 1.25 करोड़ नौकरी लोगों को दे दिया इस लॉकडाउन में, उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, अब योगी ने दे दिया। आप बताइए कि एक भी भर्ती हुई इधर एक महीना सवा महीना में? नहीं दिया। क्या मनरेगा में जितना लोग काम करते रहना वही जोड़, लॉकडाउन में पहले लॉकडाउन में जितनी दुकानें बंद थी, चाहे चाय की दुकान, चाहे कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, जो भी दुकानें बंद थी उस खुल गई, उसी को जोड़ के बता दिया कि हमने सबको काम दे दिया। इतना बड़ा झूठा इस देश में पैदा हो गए सब, इसी से साथी हम इनका विरोध करते हैं कि सच बोलो, सही बात कहो, झूठ मत बोलो। 1.25 करोड़ नौकरी दे दिया। अभी ये कह रहे थे कि हमने ट्रेन से ले आया बिना पैसा, वो चल रहा है आगे आके पुलिस रोक देती है, वो पुलिस से कोशिश करता है कि जानकारी ना हो पत्नी को, हम घर चले जाएं, लेकिन पुलिस जिद करती है तब वो मजबूरन कहता है कि मेरा बेटा मर गया है, तब पत्नी को पता लगता है। अब सोच लो कि उसके सामने क्या बीती होगी। ये इस तरह सजा इनको मिलेगी, मैं कहता हूं ये योगी और मोदी को दोनों को इसकी सजा मिलेगी। वो दिन होगा जिस तरह बड़े बड़े नेता कैंसर से मरे हैं, इनको कीड़ा पड़ेगा। ये हमको देखते हैं प्रकृत ने ऐसा चाल चला है कि सबकी दवाई प्रकृत करती है, ये गरीबों का खून चूस रहे हैं सब। इस नाते साथी हम आज बहुत नहीं, बस इतना जो काम आपने दिया है इसका पेपर सब आप हमको, हम इसको कर देंगे, कोशिश करेंगे इसमें जल्दी काम हो जाए। यदि किन्हीं कारणों से अधिकारी ऊपर से नीचे तक खिला हवाली करते हैं तो 4 महीना लॉकडाउन चलेगा। और हालांकि इनकी प्लानिंग तो है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को न मानते हुए चुनाव ही न होने पावे, ये उस तैयारी में लगे हैं, लेकिन सब लोग लगे हैं क्योंकि बहुमत इतना है कि ये जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, कोई बोल नहीं पा रहा है। जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा उसके पहले हम लोग सफल हो गए तो ठीक है, और नहीं जिस दिन खत्म होगा उसके 5 दिन के बाद तैयारी बना के रखिए। 5 दिन के बाद आप 500 आओगे, हम 5000 लेकर के अपनी टीम आओगे, और उसी दिन डू ऑर डाई, या तो सर्टिफिकेट आज जारी करके दिखाओ और नहीं तो हम लोग यहां से जाने वाले नहीं हैं। ये काम होगा, जब सूझे हुई घी ना निकली तब क्या करें, अभी तो प्रेम से पति आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन पेपर मिलेगा काम चालू होगा उसी दिन दिल्ली से लेके लखनऊ से यहाँ तक हड़कंप शुरू हो जाएगा। अभी जैसे लिखा साथी ने कि बलिया में हम लोग लगभग 1 लाख हैं, 1 लाख के ऊपर, लेकिन गिनती कभी नहीं हुई है ना, गिनती ना होना जनगणना, जनगणना तो छोड़ दीजिए, जनगणना का हाथ कि किसी से पूछिए तो पहलवा हम जब नहीं आए थे तो भर कहाँ कहाँ, भर कहाँ है, आप कोई गांव बता दीजिए जहाँ भर ना हो। इसी तरह मैं यही पासवान दशरा में एक दिन हमारे दिमाग में आया कि यार देखो अच्छा पासवान 10-5 को जुटाओ, लोगों को समझाया जाए, तो यहाँ करीब 200 लोग आए, सूचना दी गई तेवा की जरा अपनी पीड़ा बताओ क्या तकलीफ है, तो लोग अपनी बात कहते कहते खुशी में रो रहे थे कि हम लोगों को खुद पता नहीं है कि इतना पासवान रहता है, जब हमको खुद नहीं पता है तो हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे, तो जनगणना है और इनकी जनगणना पर भरोसा नहीं है। हम लोग सर अपने संगठन के तहत हम लोग अपना करते हैं, वो तो सब कुछ संभव है, देखिए हर चीज संभव है। जिला अध्यक्ष संगठन में
चलिए वो तो बात की बात है, वो जनगणना जो हो संगठन बनाइए वो अपनी जगह है, मकसद देखिए लड़ाई एक हम प्रमाण पत्र बनवाने की, हमारी आबादी ये बात कभी से, लेकिन हमारा सबसे प्रथम एक लक्ष्य होना चाहिए महाभारत की तरह, जिस तरह महाभारत में अर्जुन से पूछा गया कि तुझे क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे मछली की आंख दिखाई देती है, उसी तरह आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले सर्टिफिकेट बनवाना है, उसकी बात को हम लोग न अर्जे। हम तो देख रहे हैं कि जब मैं मिनिस्टर था तो कम से कम इतनी अप्लीकेशन थी, मेरा प्रयास होता था हल होने लायक कराता था, समाज के दुर्गति का कारण कोई दूसरा नहीं है, समाज के नेता।